رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلب واعلن الحق بالحق أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال مولانا إمام الحسن عليه السلام إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه وأسمع الأسماع ما وعى التذكيرا وانتفع به وأسلم القلوب ما سلم من الشبهات بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم عزاداران امام حسن مجتبى علیہ الصلوۃ والسلام اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ایام ایام مخصوصہ ہے ایام ایام عزاداری و عبادت گزاری ہے ان ایام سے استفادہ کرنا ان ایام کے ذریعے سے محاسبہ نفس کرنا تزکیہ نفس کے لیے جد و جہد کرنا اپنی پاکیزگی اپنے گھر والوں کی پاکیزگی اور اپنے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کوشش کرنا کاوش کرنا یہ ہر فرد عزادار کی ذمہ داری ہے شب شب رحلت یا بعض معتبر روایت کے مطابق شہادت
पैगंबर ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और शहादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम है। और बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़ा रखना इन दो शख्सियात की शहादत के ज़रिए से इस्लामी मुआशरे के अंदर पैदा हुआ, जिसकी पेशन गोई ख़ुद पैगंबर ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाई थी। और इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद फितने उठेंगे, फितना बपा होगा उम्मत के अंदर और उम्मत मुस्लिमे के दरमियान दरार पैदा होगा। और आपने वसीयत फरमाई थी अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, या अली मेरे बाद आपके ऊपर मुश्किलात आएगी, मुसीबतें आएंगी, उम्मत की खातिर, इस्लाम की खातिर और कवानीन इस्लाम के तहफ्फुज़ के खातिर आपने सब्र करना है और तलवार को नियाम से नहीं निकालनी। तो रसूल की वसीयत के मुताबिक और रसूल के हुक्म के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने 25 साल तक बहुत बड़ी मुशक्क़त और बहुत बड़ी मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजारी। यहाँ तक कि आप ख़ुद इरशाद फरमा रहे थे कि मैं इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि मेरे गले के अंदर हड्डी फंसी हुई है जिसको मैं न उगल सकता हूँ न निगल सकता हूँ। इस तरीके से मुश्किलात के अंदर मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारी और रसूल की वसीयत और रसूल की नसीहत और रसूल के हुक्म की तामील की खातिर, इस्लाम की खातिर, इस्लाम के कवानीन को बचाने के खातिर आपने सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, और सिर्फ ये नहीं कि सब्र तहम्मुल करके बैठे रहे, ये भी नहीं, बल्कि इस्लाम पर जब भी आंच आया, इस्लाम के ऊपर जब भी मुश्किलात आई, इस्लाम जब भी ख़तरे में पड़ा, दौरान खिलाफत खलीफों ने रुजू किया, इमाम अलैहिस्सलाम ने ये कहकर इनकार नहीं किया कि तुम लोगों ने मेरा हक गसब किया है लिहाजा मैं तुम लोगों की मदद के लिए नहीं आऊँगा। नहीं, इमाम चाहे उनके लिए मनसब ज़ाहरी तौर पर मिले या ना मिले, इमाम मंसूस मिनल्ला होता है, वो खुदा का नुमाइंदा है, खुदा की शरीयत के लिए, खुदा के इस्लाम के लिए, खुदा के दीन के लिए वो अपने फ़राइज़ मनसब मिले तो भी अंजाम देते रहते हैं और मनसब ना मिले तो भी अंजाम देते रहते हैं। उनके लिए किसी मसनद की या किसी कुर्सी या किसी खिलाफत की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, इसलिए कि हुकूमत और रियासत और सल्तनत उनके लिए उनकी ख्वाहिश है जो जिनके लिए इलाही अकदार की पासदारी जिनके अंदर मौजूद न हो, इलाही मनसब जिनके पास मौजूद न हो। जो खुदा का नुमाइंदा है वो आवाम के मनसब और उनके सल्तनत, उनके हुक्मरानी, उनके सीट के पीछे हरगिज़ नहीं जाएगा। वो अगर सीट पर मौजूद हैं तो भी इमाम है, सीट पर मौजूद नहीं है तो भी इमाम है। उनको परवरदिगार आलम ने आलम इंसानियत की हिदायत के लिए मनसब इमामत पर, मनसब विलायत पर फ़ाइज़ किया और वो अपने मनसबी ज़िम्मेदारी को बहालत मजबूरी, मजबूरियों की वजह से, मुश्किलात की वजह से, अलग अंदाज से या हुकूमत के खिलाफत के अंदाज से या हुकूमत और खिलाफत के बग़ैर वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते रहते हैं, इसलिए कि ये खुदा के नुमाइंदे हैं। इसी तरीके से पैगंबर ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो ख़त्मुल मुरसलीन है, जो परवरदिगार आलम का हबीब है, जिनके लिए परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाया कि लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए पैगंबर, ए रसूल, अगर तुम्हारी खिलकत मलहूज़ नज़र न होती तो मैं इस आसमान और ज़मीन को भी न बनाता। यानी ये आसमान अगर बना है, यह ज़मीन अगर बनी है, तो पैगंबर ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
वजूद और उनके खिलकत की मरहून मिन्नत से। अगर हम आज वजूद रखते हैं तो पैगंबर की वजह से वजूद रखते हैं। अगर ये कायनात वजूद में मौजूद हैं, कायनात का निज़ाम चल रहा है, निज़ाम फलकियात चल रहा है, ये दिन ये रात और ये सूरज ये चाँद अपने मदार में गर्दिश कर रहा है, तो ये पैगंबर ख़त्म मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मरहून मिन्नत है। तो लिहाजा पैगंबर को परवरदिगार आलम ने सरदार अंबिया और आलम बशरियत की हिदायत के लिए मबऊस बरिसालत फरमाया। ख़ुद परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 और 46 की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसके अंदर परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशरं व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद गवाह बनाकर खलक किया है। ये जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर चिमेगोयाँ होती है, तारीख़ के अंदर जो उल्टी सीधी बातें लिखी हुए हैं, जिसके असल वजह यही है कि लोगों ने पैगंबर की मारिफत हासिल नहीं की थी, जिसकी वजह से बाज़ लोगों ने कहा कि ये हम जैसे इंसान हैं, जबकि पैगंबर ये फरमा रहा है कि कुंतु नबियन व आदमा बैन अलमाई व तीन। जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था, अभी तक उनका वजूद नहीं आया था, उनका पुतला नहीं बनाया था, उस वक्त भी मैं नबी था। पैगंबर ये फरमा रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग क्या कह रहे हैं कि पैगंबर हम जैसे इंसान हैं। और आज जो या रसूलल्लाह और या हुसैन या अली को बिदअत समझते हैं, वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है, उसी वजह से उनके आबा व अजदाद ने जिस तरीके से कहा कि रसूल हम जैसे हैं, तो आज उनके औलाद ये कह रहे हैं कि रसूल इंसान थे, नाउज़ुबिल्लाह इंतकाल कर गए, ख़त्म हो गए। अब उनके लिए या रसूल अल्लाह कहना, या हुसैन कहना, या अली कहना, ये बिदअत है। ये क्यों हो रहा है? मारिफत न होने की वजह से। अब जबकि परवरदिगार आलम ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि ए हबीब, ए रसूल, हमने आपको शाहिद बनाकर खलक किया है। शाहिद यानी गवाह, लोगों की बंदगी, लोगों की इबादत, लोगों की नमाज, लोगों के रोज़े, लोगों की सदक़ात खैरात, लोगों के अमाल सालेहात के ऊपर शाहिद अगर कोई है तो वह पैगंबर है। ये कुरान की आयत है और पैगंबर आखिरी पैगंबर है और पैगंबर की उम्मत आखिरी उम्मत है। इस उम्मत के अंदर कोई और पैगंबर आने वाला नहीं है और ये कुरान रहती दुनिया तक के लिए है। ये नहीं है कि पैगंबर की ज़िंदगी में कुरान की आयत नाजिल हुई तो सिर्फ उनके दौर के लोगों के साथ मखसूस हो, ऐसा नहीं है। शरअ मुहम्मदिन मुस्तमिरुन इला यौमिल क़ियामा, पैगंबर ख़त्मी मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की शरीयत ता रोज़ क़यामत तक के लिए है। ये दीन क़यामत तक के लिए, ये शरीयत क़यामत तक के लिए, यह कुरान क़यामत तक के लिए हिदायत है। और उसी तरीके से ये पैगंबर ख़त्मी मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और आपकी औलाद और आपके अहले बैत जानशीन, वो भी रहती दुनिया तक की हिदायत के लिए है। इसीलिए हम ज़ियारात के अंदर गायब का सेगा इस्तेमाल नहीं करते। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलामु अलैका, यानी जिस तरीके से सामने के लिए आप तुम इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ए रसूल आप पर, जैसे हमारे सामने हाजिर हो, आप पर सलाम हो। इमाम हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के अंदर अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, जिस तरीके से उस दौर के अंदर लोग बराह रास्त पैगम्बर को सलाम करते थे, बराह रास्त हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को सलाम करते थे, अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को सलाम करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आज भी हम उसी तरीके से सलाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यह हमारा अकीदा है। ये लोग
अगरचे इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन शाहिद है। कुरान ये कह रहा है कि इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशरं व नज़ीरा। मिलकर दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गैब का इल्म और गैब की पेशनगोई, ये अगरचे तारीख के अंदर मौजज़ात गिने गए हैं लेकिन अगर हकीकी निगाह से, हकीकत की निगाह से अगर देखी जाए तो पैगंबर ख़त्म मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ख़ुद एक मौजज़ा है। उनका पूरे का पूरा वजूद, उनकी पूरी की पूरी सीरत और जो है वो क्या है, एक मौजज़ा है। गैब की पेशनगोई करना, हजर को जब पत्थरों को हाथ में उठाते तो वो तस्बीह पढ़ते थे और इसी तरीके से दरख्त से आवाज़ आती थी, तस्बीह की आवाज़। जब दरख्त को बुलाते थे तो दरख्त अपनी जगह छोड़कर पैगंबर की तरफ आ जाता था। ये सारी चीज़ें क्या है, मौजज़ा। पैगंबर ख़ुद मौजज़ा है। जब परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, ये तो वहय इलाही के अलावा ज़बान को जुम्बिश ही नहीं देते। अगर पैगंबर ने वाज़ो नसीहत की है तो परवरदिगार आलम के हुक्म से। अगरचे हम कुरान मजीद को जो मशहूर 6666 आयतें हैं जो मशहूर हैं, वगरना उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, तो इनको हम खुदा का कलाम समझते हैं, जबकि पैगंबर ने जो कुछ फरमाया है वो सब के सब वही के ज़रिए से है, यानी खुदावंद मुताल के हुक्म से फरमाया है। कोई काम अगर अंजाम दिया है तो परवरदिगार आलम के हुक्म से अंजाम दिया है, यानी रसूल का हर फ़ैल और हर कौल उसके अंदर परवरदिगार आलम की मुदाखलत थी। इसलिए कि परवरदिगार आलम जब ये इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशरं व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर और इसी तरीके से डराने वाला बनाकर, बशारत देने वाला बनाकर मबऊस बरिसालत किया है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी इरशाद फरमा रहा है वदाअयन इलल्लाही बिइज़्निही, परवरदिगार आलम की तरफ दावत देने वाला बनाकर खलक किया है, वो भी इज़्न खुदा से। यानी जो कुछ पैगंबर इरशाद फरमाते थे, जो कुछ पैगंबर कोई फ़ैल अंजाम देते थे, उसके अंदर इज़्न खुदा शामिल हाल था। तभी तो परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि आप दावत देने वाले हैं खुदा की तरफ, और जो कुछ आप बयान फरमा रहे हैं उसके अंदर खुदावंद मुताल का इज़्न और उनकी इजाज़त भी शामिल हाल है। मिलकर दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा पैगंबर का वजूद खुद मौजज़ा है, पैगंबर का हर फ़ैल मौजज़ा है, पैगंबर का हर फिक्र मौजज़ा है। पैगंबर ने जो कुछ फ़ैल अंजाम दिया है, पैगंबर ने जो कुछ अफ़ाल अंजाम दिए हैं, जो कुछ वाज़ो नसीहत किए हैं, सब के सब यानी वजूद पैगंबर, कुल वजूद पैगंबर मौजज़ा है। और उन्हीं मौजज़ात में से एक मौजज़ा कुरान मजीद, परवरदिगार आलम का कलाम, रहती दुनिया तक के लिए मौजज़ा। तो लिहाजा अज़ीज़ा निगरामी, पैगंबर को समझने की ज़रूरत है, पैगंबर की मारिफत हासिल करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे उलमा से हम सुन चुके पैगंबर की, खुदा की मारिफत, पैगंबर की मारिफत, और मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मारिफत 100% मुमकिन नहीं है। हम जैसे ख़ताकारों के लिए, हम जैसे गुनाहगारों के लिए, हम जैसे मासियतकारों के लिए मुमकिन नहीं है कि उनको 100% समझे, 100% उनकी मारिफत हासिल करें। लेकिन जितनी काबिलियत, जितनी इस्तेताअत, जितनी ज़र्फियत, ईमान के अंदर जितना गुंजाइश मौजूद है उसके हिसाब से
खुदा की मारिफत हासिल करना, उसके हिसाब से रसूल की मारिफत हासिल करना, उसके हिसाब से अली की मारिफत हासिल करना, उसके हिसाब से हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करना, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करना, यह हर मोमिन की जिम्मेदारी है। इसलिए कि सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि हम रसूल के मानने वाले हैं, सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि हम अली के मानने वाले हैं, हसन के मानने वाले, हुसैन के मानने वाले हैं, बल्कि जितनी इस्तेताअत हमारी हमारे ईमान के अंदर मौजूद हैं उसके हिसाब से उनकी मारिफत हासिल करके उनकी पैरवी करने की ज़रूरत है। मौजज़ात, इससे कोई इनकार, इससे तो कुफ्फार ने भी इनकार नहीं किया। जब पैगम्बर ज़ाहरी तौर पर हमारे अकीदे के मुताबिक तो अर्ज़ हुआ, पैगंबर तो एक नूर है और आलम इंसानियत के वजूद से पहले पैगंबर पैगंबर थे। हम तो 40 साल के इंतज़ार में नहीं है, हम तो बचपने में भी पैगंबर को पैगंबर मानते हैं, जवानी में भी पैगंबर को पैगंबर मानते हैं और इसी तरीके से 40 साल के बाद भी पैगंबर मानते हैं। हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर ज़ाहरी तौर पर अगर देखा जाए, कुफ्फार कुरैश है मक्का के अंदर, सब के सब बुत परस्त है, यहाँ तक कि काबा बेतुल्लाह के अंदर भी बुतों को सजा कर रखा हुआ था। सारे बुत, हर कबीले के अलग अलग बुत सजे हुए थे काबे के अंदर। ज़ाहिरन काबे की हुरमत थी लोगों के दरमियान में, अगरचि वो कुफ्फार थे, मुश्रिकीन थे, काबे की हुरमत थी, लेकिन काबे के अंदर वो अपने बुतों को सजा कर उनकी परस्तिश करते थे। खुदा की परस्तिश नहीं होती थी, खुदा की बंदगी नहीं होती थी। उस कुफ्फार कुरैश के उस माशरे के अंदर जब पैगंबर ने 40 साल के बाद आपने मनसब नबुव्वत का ऐलान किया, उससे पहले लोगों को जमा किया और उसके बाद इरशाद फरमाया, इस पहाड़ी के पीछे से अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कोई लश्कर तुम्हारे ऊपर हमलावर हो रहे हैं तो तुम लोग क्या मेरी तस्दीक करोगे, गवाही दोगे? सब ने यक जबान होकर कहा, हमने जब से आज आप दुनिया में आए हैं आज तक आपको झूठ बोलता हुआ हमने नहीं पाया। लिहाजा अगर आप कहें कि पहाड़ी के पीछे से कोई लश्कर हमलावर होने वाला है तो हम सब आपकी तस्दीक करेंगे। यानी कुफार भी रसूल की शख्सियत को मानते थे, रसूल के अखलाक को मानते थे, रसूल को अमानदार समझते थे, रसूल को सादिक समझते थे, इन सारी चीज़ों को वो भी एग्री करते थे, इसका इसके मुतरिफ थे। इसके दलील यही है कि वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं, सब के सब मिलकर बोल रहे हैं कि अगर आप ये कहें कि इस पहाड़ी के नीचे पीछे से कोई लश्कर हमला करने वाले हैं तो हम आपकी तस्दीक करेंगे। इसका मतलब यह है कि रसूल की शख्सियत को, रसूल के अखलाक को, रसूल की सदाकत को, रसूल की अमानत को, रसूल के अखलाक को कुफ्फार और मुश्रिकीन भी मानते थे। लेकिन जब आपने नबुव्वत का ऐलान किया तो सबने इनकार किया, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जब आपने अपने खेश व अकारीब को जमा करके परवरदिगार आलम के हुक्म से सबको जमा करके खाना खिलाने के बाद ये इरशाद फरमाया, कोई है तुम में से जो मेरे साथ दे? तो छोटा सा बच्चा 10 या 12 साल की उम्र है, वो बार बार खड़े हो रहे साथ देने के लिए, बाकी सब के ऊपर सकता तारी, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जो आपके खेश व अकारीब करीबी रिश्तेदारों की बात हो, जब कुरान ने कहा, परवरदिगार आलम की तरफ से वही नाजिल हुई कि वअंजिर आशीरतकल अकरबीन, आपके करीबी जो आशीरे हैं, रिश्तेदार हैं, खेश व अकारीब हैं, उनको जमा करके उनको डराइए, उन तक पैगाम पहुँचाइए, 3 दिन मुतवातिर खाना खाते रहे, खाना खाकर भागते रहे, तीसरे दिन जब फिर खाना खाकर उठने लगे तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए और इरशाद फरमाया, जब तक मेरा भतीजा अपना पैगाम नहीं पहुंचाएगा कोई एक अपने जगह छोड़कर नहीं उठेगा। सरदार कुरैश थे, कबीले बनी हाशिम के सरदार,
मुहाफिज़ रसूल अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी नाराज़गी का इजहार किया तो लोग बैठ गए, सुनने के लिए तैयार हुए। फिर इरशाद फरमाया, ए मेरे लोगों, ए मेरे चाचा, ए मेरे खेश अकारिब रिश्तेदार, मैं परवरदिगार आलम का नुमाइंदा हूँ, परवरदिगार आलम की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ। जो कोई मेरा साथ देगा वो मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा और मेरा नाइब होगा, और जिस तरीके से मेरी इताअत लोगों के ऊपर वाजिब होगी उसकी इताअत भी लोगों के ऊपर वाजिब होगी। कोई एक भी उठने के लिए तैयार नहीं हुआ। बार बार मौलाए मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उठ रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपके रिश्तेदार भी आपकी शख्सियत को मानते थे, आपकी रिसालत को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मारिफत ज़ाहरी तौर पर शख्सियत के तौर पर मारिफत रखते थे और आपके रिसालत और नबुव्वत को एक्सेप्ट करने के लिए आपके रिश्तेदार भी तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद आखिर में पैगंबर ने मौलाए मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, या अली, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, आप बार बार उठ रहे हैं, आप मेरे साथ देंगे? तो मौलाए मुत्तकीन ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी जान चली जाए तो भी मैं आपको तन्हा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। आपने इरशाद फरमाया, ए मेरे रिश्तेदारों, ए मेरे चचा, ए मेरे करीबी रिश्तेदार, सब सुन लें कि आज के बाद ये अली मेरा जानशीन है। जिस तरह मेरी इताअत तुम लोगों के ऊपर वाजिब है, इस अली की भी इताअत तुम लोगों के ऊपर वाजिब है। अब ये लोग निकल रहे थे तो हज़रत अबू तालिब को ताना देते हुए निकल रहे हैं, अब तुम भी अपने छोटे से बच्चे की इताअत करना शुरू करो। एक बात को एक्सेप्ट करने के बजाय, कबूल करने के बजाय, उसके ऊपर गौर व फिक्र करने के बजाय हज़रत अबू तालिब को ताना देते हुए बाहर निकल रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, उस दौरान लोग अगर रसूल की मारिफत हासिल कर लेते तो रसूल के बाद उम्मत पराकंदा नहीं होती, उम्मत के अंदर दरार पैदा नहीं होता। रसूल के बाद रसूल की शहजादी शहीद नहीं होती, रसूल के बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद न होते, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद न होते, करबला का सानहा रोनुमा न होता। असल मसला यह था कि लोगों ने रसूल की मारिफत हासिल नहीं की। जब रसूल की मारिफत हासिल नहीं की तो रसूल के जानशीन की मारिफत बतरीक़े आला उनको हासिल नहीं थी, इसलिए कि कोई समझते थे कि अली को इसलिए खलीफा बनाया क्यों, वो रसूल के दामाद है। कोई समझते थे रसूल ने इसलिए अली को अपना जानशीन बनाया कि वो चचाजाद है, यानी रिश्तों के दुनियावी मादी रिश्तों को जोड़ते रहे, लेकिन हकीकी जो परवरदिगार आलम की तरफ से जो नुमाइंदगी मिली थी, जो मनसब मिला था, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। तभी तो रसूल के हर फ़ैल के ऊपर एतराज़, हर कौल के ऊपर एतराज़। जब गदीर खुम के मैदान में रसूल ने ऐलान किया अली की जानशीनी का, तो आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये आपने खुद अपनी तरफ से ऐलान किया है या परवरदिगार आलम की तरफ से ये आपको हुक्म मिला है? सिर्फ सवाल नहीं करता है, ऑब्जेक्शन नहीं करता, बल्कि आगे बढ़कर और कहता है कि अगर ये आपकी तरफ से है, परवरदिगार आलम की तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं है, आप हक बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार मेरे ऊपर अजाब नाजिल करें। यानी खुद अपने खिलाफ मुबाहिला कर रहा है, और परवरदिगार आलम ने भी अजाब नाजिल करके जहन्नम में वासिल कर दिया। और इरशाद फरमाया कि साला साइलुम बिअज़ाबिम वाक़िअ, साइल करने वाले ने खुद सवाल किया कि मेरे ऊपर अजाब नाजिल हो तो परवरदिगार आलम की तरफ से अजाब नाजिल हो और जहन्नम वासिल हुआ। खुदा की मारिफत हासिल करने के बजाय, रसूल की मारिफत हासिल करने के बजाय, रसूल जो पैगाम दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के बजाय, रसूल के जानशीनों की
मारिफत हासिल करने के बजाय रसूल के ऊपर ऑब्जेक्शन करते रहे, रसूल के ऊपर एतराज़ात करते रहे, कोई इजहार करके एतराज़ करते थे और अपने ऊपर अजाब नाजिल होने के लिए बददुआ भी करते थे, जहन्नम भी वासिल होता रहा, और कोई डके छुपे एतराज़ात करते रहे, जिसकी वजह से आपने देखा कि रसूल की ज़िंदगी के अंदर आखिरी अय्याम में जब पैगंबर ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने उसामा इब्ने साबित को लश्कर का सालार बनाकर रूम की तरफ रवाना किया तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, रास्ते से वापस पलट कर आए। ये क्या है? रसूल की मुखालिफत, रसूल की मारिफत हासिल न करने की वजह से। वगरना रसूल ने जब हुक्म दिया था तो हुक्म की तामील लोगों के ऊपर वाजिब है। मन युत्तिअ अर्रसूल फ़कत अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे तो खुदा की इताअत होगी। रसूल की मुखालिफत करके अगर कोई खुदा की इताअत करने का दावा करे तो ये झूठा है, इसलिए कि कुरान की सरी आयत मौजूद है, मन युत्तिअ अर्रसूल फ़कत अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे तो गोया कि उसने खुदा की इताअत की। इसके बिल्कुल तनाजुर में अगर देखें तो जो रसूल की मुखालिफत करे तो खुदा की मुखालिफत है, इसलिए कि रसूल अर्ज हुआ, रसूल अगर कोई फेल अंजाम देता है तो खुदावंद मुताल के हुक्म से अंजाम देता है, रसूल अगर कोई वाज़ो नसीहत करता है खुदावंद मुताल के कि वही के ज़रिए से वाज़ो नसीहत करता है, रसूल अगर कोई पैगाम पहुँचा रहा है तो परवरदिगार आलम के हुक्म से पैगाम पहुँचा रहा है। रसूल के हुक्म और पैगाम की मुखालिफत यानी खुदा के पैगाम की मुखालिफत है। नतीजा ये निकला कि रसूल की ज़िंदगी के अंदर रसूल की मुखालिफत हुई, जो हुक्म दिया गया था उस हुक्म पर अमल नहीं हुआ। सबको हुक्म दिया था एक्स वाई जेड, किसी का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, तारीख छान कर देखिए किसने मुखालिफत की, कौन नहीं गया, किसने क्या बहाना बनाया। रसूल ने जब हुक्म दिया है तो बहाने की बारी ख़त्म। रसूल का हुक्म खुदा का हुक्म है, रसूल खुदा का नुमाइंदा है, रसूल ने जब हुक्म दिया है तो कोई बहाना तराशी नहीं चलेगी। तो वहाँ पर मुखालिफत हुई, क्यों हुई? रसूल की मारिफत नहीं थी, खुदा की मारिफत नहीं थी। बाज़ ऐसे लोग थे जो इस्लाम के रौब और दबदबे की वजह से इस्लाम में दाखिल हुए थे, इस्लाम की हकानियत को समझकर, इस्लाम को हक समझकर, रसूल को हक समझकर, खुदा की वहदानियत को हक समझकर इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, बल्कि खौफ इस्लाम से इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे। उसका नतीजा यह निकला कि उनकी ज़बान पर इस्लाम था, उनके किरदार के अंदर इस्लाम मौजूद नहीं था। ज़बान से तो रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ता था लेकिन आज़ा व जवारी पर कलीमे की तसल्लुत मौजूद नहीं थी, हुक्मरानी मौजूद नहीं थी। कलीमा जबान पर पढ़ते थे लेकिन आज़ा व जवारी पर इस्लामी अकदार नाफिज, कवानीन इस्लाम नाफिज नहीं था, जिसकी वजह से आपने देखा रसूल की जिंदगी के अंदर रसूल की मुखालिफत हुई। तो अर्ज करने का मतलब यह कि जब तक खुदा की मारिफत हासिल नहीं होगी, जब तक रसूल की मारिफत हासिल नहीं होगी, जब तक अली की मारिफत हासिल नहीं होगी, जब तक हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल नहीं होगी, जब तक हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल नहीं होगी, जब तक इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफत हासिल नहीं होगी, उस वक्त तक हकीकी मोमिन बनना मुमकिन नहीं है। जब एक बंदा सिद्क दिल से रसूल को रसूल मान रहा है तो बग़ैर चुंगो चरा के उनके हुक्म पर अमल करेगा, उसका तकाजा ये है। जब दिल से रसूल की नबुवत पर, रिसालत पर ईमान रख रहा है तो उसका तकाजा ये है कि जो भी हुक्म दे उस पर अमल करे, जिस तरीके का हुक्म दे, जिस हालत में हुक्म दे, कोई एतराज़ किए बग़ैर उस पर अमल करे। मर्ज़ के हालत में हो तो नऊज़ु बिल्लाह ये इल्ज़ाम लगाएं कि दवात और कदम न देना कि ये हिज़्यान, नऊज़ु बिल्लाह हिज़्यान बकरा है, मरज़ के आलम में है और
बेतवज्जुही की वजह से ये बात कर रहा है, हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है। रसूल से भी एक कदम आगे बढ़े, रसूल नहीं समझते थे कि किताब खुदा काफ़ी है, किरतास कलम और दवात मांग रहे थे लिखकर देने के लिए, उम्मत को पराकंदगी से बचाने के लिए, उम्मत को बेरहरवी से बचाने के लिए। रसूल से ज़्यादा ये लोग समझदार थे। जिन जिसके ऊपर इस्लाम नाजिल हुआ है, जो वही इलाही के बगैर लबकुशाई नहीं करते, उससे ज़्यादा लोग समझ गए थे कुरान को। अज़ीज़ा ने गिरामी, ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि रसूल की मारिफत नहीं थी। रसूल को मानते थे, रसूल की मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी इस मुआशरे के अंदर रसूल की हुक्मरानी मौजूद नहीं है। कहते तो है कि हम मुसलमान हैं, अगर मुसलमान हैं तो रसूल का फरमान भी है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। क्या है मुसलमान महफूज? मुसलमान खुद मुसलमानों की गर्दन उड़ा रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं बम ब्लास्ट के जरिए। ये क्या है? ये इस बात की दलील है कि मुसलमान सिर्फ जबान की हद तक है, हकीकी मुसलमान मौजूद नहीं है। अगर मुसलमान मौजूद होता तो रसूल के फरमान के मुताबिक लोग मुसलमानों से खौफ न खाते। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों के लिए भी मुसलमानों के गर्दन पर हुकूक मौजूद है। जैसे कि मौलाए मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं, मालिक अश्तर को जब आपने गवर्नर बनाकर भेजा तो आपने नसीहत फरमाई कि मालिक ये समझ लेना कि मुआशरे के अंदर दो ग्रोह के लोग हैं, एक ग्रोह तुम्हारे ईमानी भाई है, एक गुरोह खिलकत में तुम्हारे साथ शरीक है, इंसान होने के अतबार से तुम्हारे साथ शरीक है, लिहाजा इन दोनों को उनके हदूद के मुताबिक इनके हक की पासदारी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुसलमान को मुसलमान होने के अतबार से उसके हुकूक है, एक इंसान इंसान होने के अतबार से उसके हुकूक, इस्लाम के अंदर हुकूक मौजूद है, उस हक की रियायत करना ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। लेकिन मुसलमान भी है और मुसलमानों के ऊपर कुफर के फतवे भी लगा रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं और कलमा पढ़कर एक मुसलमान को कत्ल भी कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि रसूल को मानने वाले आज हैं, लेकिन रसूल की मानने के लिए आज भी लोग तैयार नहीं है। मिलकर दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो लिहाजा अज़ीज़ा निगरामी, पैगम्बर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ये इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि शर्रुन्नास मन बाअल आखिरता बिद्दुनिया, बदतरीन इंसान वो है जो आखिरत को दुनिया के बदले में बेच दे, अपनी आखिरत को अपनी दुनिया के बदले में भेज दे, ये बदतरीन इंसान है। वशर्रुम मिन ज़ालिक, इससे भी ज्यादा बदतर, मन बाअ आखिरतहु लिदुनिया गैरिही, वो अपनी आखिरत को किसी और की दुनिया के लिए बेच दे, उससे भी शरीर और बदतर इंसान वो है। एक तो यह है कि इंसान खुद अपनी दुनिया के लिए अपनी आखिरत खो रहा है, बेच रहा है, दूसरा इंसान वो नहीं है बल्कि वो किसी और की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बेच रहा है। यह सबसे ज्यादा शरीर और बदतरीन इंसान है, अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की तैयारी को भी मलहूज नजर रखना, यह मुसलमान होने का तकाजा है। इस्लामी अकदार को अपने ऊपर इस तरीके से नाफिज करें कि दुनिया में भी रहें और आखिरत की तैयारी भी होती रहे। जैसे कि अर्ज हुआ, बहुत सारी नशस्तों में गुफ्तगु हो चुकी, एक बंदा परवरदिगार आलम की हदूद में रहकर
शराइत और जवाबित के दायरे में रहकर मेहनत मजदूरी करता है तो परवरदिगार आलम इस मेहनत मजदूरी को भी अपनी बंदगी शुमार फरमाता है, उसके लिए सवाब इनायत फरमाता है। क्या हुआ, वो दुनिया में भी रह रहा है, कसब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। जब पैगंबर खदीम मरतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमा रहे हैं कि अलकासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, वो अपने लिए कमा रहा है, अपने घर वालों के लिए कमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद परवरदिगार आलम के हबीब ये फरमा रहे हैं कि खुदा का दोस्त है। ये कब है, जब हुदूद के अंदर रहे, शरई कवायद और जवाबित कवानीन इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करके उस हुदूद के अंदर रहकर अगर कोई मेहनत मजदूरी करता है, नौकरी करता है, कस्ब हलाल करता है, तो परवरदिगार आलम उसे सवाब इनायत फरमाता है। खुदा के लिए नहीं कर रहा है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कर रहा है। ये क्या है, दुनिया में भी रह रहा है और आखिरत की तैयारी भी हो रही है, सवाब भी कमा रहा है और साथ में मेहनत मजदूरी भी कर रहा है। दुनिया मेहनत मजदूरी यानी पैसा कमाना, अखराजात के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रिहाइश के लिए, लिबास के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है। क्या कर रहा है, दुनियावी काम कर रहा है। अगर चाहिए दुनियावी काम है लेकिन परवरदिगार आलम की हुदूद की पासदारी के साथ ये काम हो रहा है तो लिहाजा परवरदिगार आलम उसे सवाब भी इनायत फरमा रहा है, दुनिया को भी कमा रहा है और आखिरत की तैयारी भी साथ साथ हो रही है। मिल के दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बरअक्स अगर इंसान दुनिया को हलाल और हराम में तमीज़ किए बगैर कमाए, सीधे हाथ उल्टे हाथ जो हमारे माशरे के अंदर चलते हैं, उल्टा सीधा करके कमा रहा है, तो क्या हुआ, वो दुनिया को कमा रहा है और आखिरत को दुनिया के बदले में बेच रहा है। खसरत दुनिया वाला आखिरत होगा, दुनिया भी हाथ नहीं लगेगी और आखिरत से भी हाथ धो बैठेगा। तो लिहाजा शरीयत की पासदारी, पैगंबर की इत्तबा, पैगंबर के अहकामात की इत्तबा, रसूल के अहकामात की इत्तबा, दीन के कवानीन की इत्तबा करके अगर कोई इंसान दुनिया में रहता है तो परवरदिगार आलम की उबूदियत और बंदगी में ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसे कि बहुत सारी रिवायत मौजूद है, रोज़े के आलम में है, इंसान सो रहा है, इस्तराहत कर रहा है थकावट दूर करने के लिए मिसाल के तौर पर, या रात को जागा हुआ था और नींद पूरी करने के लिए सो रहा है। इंसान इस्तराहत के खातिर सो रहा है, नींद पूरी करने के लिए सो रहा है, रेस्ट करने के लिए सो रहा है, उसके बावजूद परवरदिगार आलम उसकी सांस को तस्बीह का मर्तबा दे रहा है। यानी वो सांस लेता है, सो रहा है, तो उसका उसके सोने को भी परवरदिगार आलम इबादत शुमार फरमाता है। ये कब होगा, जब खुदा की बंदगी में ज़िंदगी गुजर रही होगी, रोज़े के आलम में होगा। तो क्या है, दुनिया में भी रह रहा है, दुनियावी काम भी अंजाम दे रहा है, यानी इस्तराहत कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, और साथ साथ उसे सवाब भी मिल रहा है। यानी दुनिया में भी दुनियावी ज़िंदगी भी गुजर रही है और आखिरत की तैयारी भी साथ साथ हो रही है। मिल के दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो लिहाजा दीन को समझने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, दीन में मुश्किलात नहीं है, दीन को हमने ख़ुद मुश्किल बना कर रखा है। दीन के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। एक बंदा खुम्स अदा करके अपने माल के अंदर, अपने पैसों के अंदर तसरुफ़ कर रहा है तो यह हक व हलाल का माल है, इसके अंदर तसरुफ़ कर सकता है। एक तरफ से वो खुम्स अदा करके अपने वाजिब को अदा करके सवाब भी कमा रहा है, दूसरी तरफ से अपने पैसे के अंदर तसरुफ भी कर रहा है। दीन भी साथ है और दुनिया भी साथ है, यानी हद व हुदूद इलाही के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहा है। दुनियावी ज़िंदगी भी गुजर रही है और आखिरत की तैयारी भी साथ साथ हो रही है, वाजिबात भी अदा हो रहा है और साथ में अपनी ज़िंदगी भी चल रही है। ये क्या है, हद व हुदूद इलाही के अंदर ज़िंदगी गुजारना। अगर इस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, दुनिया भी जन्नत बन जाएगी
और आखिरत में भी परवरदिगार आलम के हबीब बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के दरगाह में जन्नतुल फिरदौस में हमें जगह भी मिलेगी। इसके बरक्स अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें, एक लाख के ऊपर अगर 20,000 निकाल दिए खुम्स के तो पैसे कम हो जाएंगे, 20,000 निकाल कर वाजिब अदा हो रहा है, हक अदा हो रहा है, उसे उस वो मलहूज़ नज़र नहीं है, पैसे कम हो रहा है ये मलहूज़ नज़र है, तो क्या होगा? खसरा दुनिया वाला आखरा होगा, दुनिया भी हाथ से चली जाएगी, ये पैसे हाथ के मेल की तरह है, इधर से आता है उधर चला जाता है, पता नहीं चलता। लाखों रुपए माहाना कमाने वाले भी आजकल के इस दौर के अंदर परेशान हैं, 25 से 30 हज़ार कमाने वाले लोग भी परेशान हैं, यानी हर कोई अपने अपने लेवल पे परेशानी में मुब्तला है। इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर परेशानी मिलनी ही है, लाखों रुपए कमा के भी परेशानी ही मिलनी है, तो बेहतर ये नहीं है कि आखिरत की भी तैयारी होती रहे साथ साथ, हक को हकूक भी अदा करते रहे, रिश्तेदारों के हकूक हैं, माँ बाप के हकूक हैं, वालिदैन के हकूक हैं, और इसी तरीके से बहनों के हकूक हैं, वो भी अदा करते रहे, और साथ साथ ज़िंदगी मुश्किल तो आनी है, मुश्किलात तो आजकल के दौर के अंदर हमने खुद खरीद कर मुश्किलात को अपने ऊपर मुसल्लत की है हुक्मरानों की शक्ल में, जिनको टस से मस नहीं है, लोग मर रहे हैं सैलाब के अंदर, मुश्किलात के अंदर सड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सरों के अंदर कीड़े, यानी मगज़ के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं, हुक्मरानों को टस से मस नहीं, वो अपने मज़े उड़ा रहे हैं, ये भी आफत है, ये मुश्किलात जो है ये आफत है, हुक्मरान ये आफत बहुत बड़ी मुश्किलात है जिसको हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किए हैं। तो अर्ज़ ये हो रहा है कि मुश्किलात तो है ज़िंदगी के अंदर, जब रिवायात ये बताती है कि दुनिया मोमिन के लिए एक जिंदान के मानंद है और काफिर के लिए और बहुत बड़े खूबसूरत बाग के मानंद है। जब दुनिया में मोमिन ज़िंदगी गुजारता है, मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजारता है, अशरफुल अंबिया खत्मुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, उनकी ज़िंदगी देखिए, मुतालिया किया कीजिए तारीख़ का, हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है तारीख़ के मुताले पर, कोई पाबंदी नहीं है, जिनके यहाँ पाबंदी है तो इस वजह से है कि हकायक खुलकर सामने आ जाएगा, जब हकायक का लोगों को पता चलेगा तो लोग उसके जस्तजू करेगा, हकायक तक हकायक को जानने की कोशिश करेगा, इसलिए कहीं पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन तारीख़ इबरत हासिल करने के लिए है, सबक हासिल करने के लिए है, दोहराने के लिए नहीं है। तारीख़ के अंदर अगर रसूल को तन्हा किया है तो रसूल के जानशीनों को तन्हा नहीं करना चाहिए, तारीख़ के अंदर अगर इमाम को तन्हा किया है, इमाम के नायबीन को तन्हा नहीं करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, यानी तारीख देखे, तारीख पढ़े, लेकिन इबरत हासिल करने के लिए पढ़े, दोहराने के लिए ना पढ़े। तो अर्ज हो रहा है कि पैगंबर खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़िंदगी इतनी मुश्किल ज़िंदगी, अपनों की तरफ से भी मुश्किलात हैं, दुश्मनों की तरफ से तो है ही मुश्किलात, लेकिन अपनों की तरफ से भी अर्ज हुआ, जब पैगंबर को मशवरा देने लगे, जो पैगाम लेकर आया है, पैगाम रसां है, रसूल है, नबी है, उनको मशवरा देने लगे, उनके सामने ये कहा जाए कि हमारे लिए किताब काफ़ी है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये हद के हुरमत नहीं है तो क्या है? आज अगर कोई ईसाई या हिंदू या यहूदी रसूल की इहानत करते हैं, तोहीन करते हैं, तो पूरी उम्मत की तरफ से आवाज़ उठती है और उठनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये हकायक भी जान लें कि तारीख के अंदर भी ऐसा हुआ, हम करें तो कोई मसला नहीं है, दूसरे करें तो ये तोहीन शुमार हो, ये दो रुखी नहीं चलेगी, हर जगह एक ही मेज़ान लेकर चले, एक ही तराजू रखें, हर चीज़ को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश करें, गलती गलत जो है गलत है, चाहे हम करें या कोई और करे,
توہین توہین ہے چاہے ہم خود کریں یا کوئی اور کرے. جیسے کہ عرض ہوا ایک مجلس کے اندر, پاکستان ہندوستان الگ ہونے سے پہلے, پاکستان بننے سے پہلے, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی مساجد ہوتی تھی, مساجد کے باہر اگر کوئی گانا چلاتا, کوئی ہندو کوئی سکھ گانا چلاتا, تو مہینوں بھر کے لیے ان کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی, لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. لیکن آج کئی سال گزرے پاکستان بن کے, آج ہمارے اپنے گھروں سے جو مساجد کے اطراف میں ہیں, مساجد کے ہمسائے میں جو گھر ہیں, وہاں سے گانے کی آواز بلند ہوتی ہے, کسی کو ٹس سے مس نہیں ہے. وہ ہندو کر رہے تھے اس لیے مسلمانوں سے لڑ رہے تھے, وہ سکھ کر رہے تھے اس لیے مسلمان لڑ رہے تھے, یہ ہم خود کر رہے ہیں, لہٰذا یہ غلط. یہ دو رخی نہیں چلے گی. ہر جگہ ایک میزان لے کر چلے, ایک ہی ترازو لے, ایک ترازو سے تولنے کی کوشش کرے. حق حق ہے چاہے کوئی اور بولے یا ہم خود بولیں, اور باطل باطل ہے چاہے کوئی اور کرے یا ہم خود کریں. تو لہذا عرض ہو رہا تھا پیغمبر کے اوپر اتنی مشکلات, جب خود پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو مصیبتیں میری امت نے میرے اوپر ڈائی, مجھ سے پہلے کسی امت نے اس کے نبی پر وہ مصیبت نہیں ڈائی. تاریخ کے اندر ایسے ایسے انبیاء ہیں جن کو ان کی امتوں نے قتل کیے, شہید کیے, اتنے ظلم کیے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کی طرف نہ جائے, اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں سے کتنے ظلم سہتے رہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء ہیں, حضرت یحییٰ ہے, حضرت زکریہ ہے, اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی مشکلات سے ہے, لیکن اس کے باوجود پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جن کے اوپر مجھ جیسی مصیبت نازل ہوئی ہو, اپنوں کی طرف سے بھی اور پرایا کی طرف سے بھی. اور عرض ہوا بعض معتبر تاریخ کے اندر, معتبر روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کے ذریعے سے شہید ہوئے. جنگ خیبر کے دوران آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا, جس کے اندر ظاہراً بکرے کا ران تھا, اس ران کے اندر زہر ڈلا ہوا تھا. ایک نوالہ آپ نے تناول فرمایا تھا, اس کے بعد اس ران سے آواز آئی, اے خدا کے رسول, میرے اندر زہر ڈلا ہوا ہے, مجھے تناول مت کیجیے. پیغمبر نے ہاتھ ہٹایا, اور آخری ایام میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ ایک نوالہ جو خیبر کے دوران میں نے کھایا تھا وہ مجھے تنگ کر رہا ہے, اس کے اثرات آج بھی میرے اندر موجود ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نبی, کوئی بھی وصی یا تلوار کے ذریعے شہید ہوئے ہیں یا زہر کے ذریعے سے شہید ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض اور روایت ہے جس کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک یہودی عورت نے پیغمبر کو کھانا پیش کیا, اس کھانے کے اندر, گوشت کے اندر زہر ڈلا ہوا تھا. اس کی وجہ سے, اس کے اثرات کی وجہ سے, اگرچہ چند سال پہلے کی بات ہے, لیکن اس کے اثرات کی وجہ سے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی اور رحلت ہوئی. اور اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نمونۂ رسول ہے, اسوۂ رسول کا آئینہ دار ہے, اخلاق کے اعتبار سے, ادوار کے اعتبار سے, گفتار کے اعتبار سے, حرکات و سکنات کے اعتبار سے, ہر فعل کے اعتبار سے وارث رسول, پنجتن پاک علیہ السلام میں سے چوتھا فرد ہیں, ان کو بھی نہیں بخشا گیا. مانتے تھے کہ حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا امام ہے, ہمارا خلیفہ ہے. تقریباً تاریخ کا مطالعہ کیا کیجئے, پوری امت کا اجماع ہے 6 مہینے تک امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو بھی پوری امت مانتی ہے, ظاہری خلافت کو.
یعنی امام کو مانتے تھے لیکن امام کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی لیے روایت یہ بتاتی ہے کہ میرے مولا کو جب زہر دیا جو عدہ بنت اشعہ سے اشعث ابن قیس نے معاویہ کے حکم سے اور اس کے فریب سے, جو عدہ نے شربت کے اندر زہر ڈال کر میرے مولا کو پیش کیا, روزے کے عالم میں ہے, گرمی بہت شدید تھی جس کی وجہ سے افطاری کے دوران آپ نے وہ شربت پی لیا اور شربت پینے کے بعد آپ کے جسم کے اوپر اثرات شروع ہوا. بعض تاریخ یہ بتا دی کہ چند دنوں کے بعد آپ شہید ہوئے, بعض تاریخ یہ بتا دی کہ 40 دن تک میرے مولا اس درد کے شکار رہے. ایک بندہ آ کر گستاخی کرتا ہے میرے مولا کے سامنے, ظاہراً وہ ماننے والا ہے امام کا, کہتا ہے اے فرزند رسول, آپ نے ہماری گردن جھکا دی. یعنی اس کا اشارہ تھا معاویہ کے ساتھ صلح کی طرف. میرے مولا نے ارشاد فرمایا, اے شخص, میرے ساتھ دینے والے موجود نہیں تھے, اگر میرے ساتھ دینے والے موجود ہوتے تو میں مرتے دم تک اس کے ساتھ لڑتا اور جہاد کرتا, لیکن میرے ساتھ دینے والے موجود نہیں تھے, مجھے تنہا کیا گیا. اسی اثنا میں میرے مولا کو الٹی ہوتی ہے, خون کی الٹی, خون کے اندر میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کٹ کر نکل رہے ہیں. ایک تھال سامنے رکھا ہوا تھا, پورا تھال خون سے بھر گیا. ایک دفعہ اعتراض کرنے والے نے کہا, فرزند رسول, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے, معاویہ کی طرف سے مجھے زہر دیا گیا ہے. اس زہر کے نتیجے میں میرے جسم کے اندر سے گوشت کٹ کٹ کر نکل رہا ہے. ایک دفعہ امام حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگے. میرے مولا نے آنکھیں بھر کر امام حسین کی طرف دیکھا, اس کے بعد ارشاد فرمایا, لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے میرے بھائی حسین, آپ کے دن جیسا کسی اور کا دن ہرگز نہیں ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا, آج تو میرا بھائی حسین میرے پاس موجود ہے, میرا بھائی عباس میرے پاس موجود ہے, میرے رشتہ دار میرے پاس موجود ہے, مجھے غسل دیا جائے گا, مجھے کفن دیا جائے گا اور میرے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی, مجھے دفن کیا جائے گا. بھیا حسین, کربلا کا وہ میدان ہوگا, کوئی خیش و اقارب موجود نہیں ہوگا, نہ بھائی موجود ہوں گے, نہ کوئی رشتہ دار موجود ہوں گے, یک و تنہا کربلا کی تپتی ریت پر جب آپ شہید ہو جاؤ گے تو آپ کے جسم مطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خداوند پروردگار ہمارے اس خلیل سے عبادت کبھی درگاہ میں قبول و منظور فرما, تیری اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما, محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما, بحق محمد و آل محمد, بحق جاردہ معصومین, ہم سب کو علم و معرفت علم آگاہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. جو بھی مؤمن و امداد مریض و مریضہ ہے بحق بیمار کربلا, ان سب کو شفا کل شفا اجلا عنایت فرما. بالخصوص امتیاز صاحب کی اہلیہ, مکرم صاحب کی والدہ اور حسین مہدی, جعفر عباس صاحب, علیل ہے پروردگار, ان سب کو جلد از جلد صحت یاب فرما. بحق سیدہ سجاد شفا کل شفا اجلا عنایت فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مشکلات میں گرفتار ہیں کی مشکلات کو آسان فرما, جو بے جا قید و بند میں ان کو رہائی عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد نہ رہنا عنایت فرما, صاحب اولاد کے اولاد کو صالح قرار فرما, ہم سب کے گزشتگان کی مغفرت فرما, خصوصاً مرحوم محمد رضا ابن محمد نواز اور تمام مؤمن المؤمنات جو مرحوم ہیں, شہداء ملت جعفرے کو ان کے درجات کو بلند فرما, اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار اسلام و مسلمین کو فتح و نصرت عنایت فرما,
کفار و مشرکین کو نے استناب عود فرما، علماء کرام اور اعظم کے سایہ کو ہم سروں پر قائم و دائم فرما، اس دنیا کے ظلم زیادہ کرو دیر بے سلا شعور جہالت و منافقت ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے عدل الہی کے نفاذ کے لیے اپنے آخری اور تمام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان انصاروں کے حقیقی دوست داروں میں سے شمار فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک و کرمک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔